तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये क्रिएटिव यंगस्टर टीम की ओर से बनाया गया पहला ब्लॉग है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सुबह के बज रहे हैं 6 और इन सब लोगों ने मुझे उठा दिया, कह रहे हैं आज जाना है पूल। भाई आंखें खुल नहीं रही और पूल की तैयारी हो रही है। बैग में सामान रख लिया है, कुछ खाने के लिए देखें, एक नट क्रैकर टाइप चीज़ है और बैक साइड तो टॉवल और अंडरवेयर रखा है एक्स्ट्रा। आगे देखते हैं करते क्या है, और आपको राइड का नज़ारा भी देंगे और बच्चों को भी खाना डाल दें जब तक। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठा दिया इन्हें भी मैंने, देखो आपसे भी नहीं खुल रही इनकी, तो ये भी खालियाँ दे रही होगी। अरे कैसी हो, उठ गई? तो जैसा आप वो रहे, सुबह सुबह उठी है बेचारी, उल्टी चल रही है। चलो मैं भी चाय वाय पीऊँ और निकलूँ यहाँ से। तो ये हमने खाने के लिए और भी कुछ ले लिया है, पता था भुजिया से कुछ बनेगा नहीं। और ये खाने के लिए ठीक है ना, खाने से आ रहा है यार, इन लोगों को भी खाना डाल दूँ। तो सुबह बेचारी भूखी बैठी होगी, वो खा मैंने अलग दिया, यहाँ से तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक से उनका खाना तो उन्हें मिल गया और उन्हें लग रहा है पता कि आ रहा है खाना, वो आ गई खाने। देखो चलो भाई हम लोग भी चलते हैं, इनका गेट लगा तू। तो आप लोगों की वजह से मुझे ये खास से करना पड़ा। चलो बैग तैयार हो गया है, खाने का हो गया है, चलो बाहर का व्यू देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम पूल के लिए निकल चुके हैं और ये वीडियो आपको लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारे पास अभी हेलमेट कैमरा है नहीं, क्योंकि हमारा चैनल अभी इतना मोनेटाइज भी नहीं हुआ और इनकम तो आपको पता ही है, मोनेटाइज होने से पहले तो आनी तो स्टार्ट होती नहीं है। अभी हम बस चल रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, तो जब आएंगे पैसे तो शायद बढ़िया ब्लॉग हो इससे अगला। और रास्ता बहुत लंबा है अभी तो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मौसम आज बहुत बढ़िया हो रखा है, देख रहे हो लोग वैसे उठ ही गए हैं सुबह सुबह। यार इतनी जल्दी हो गई, संडे वाले दिन कौन उठता है यार भाई, और हमारी तो चलो मजबूरी है, मजबूरी भी क्या है, इनको भी संडे को ही आग लगी थी जाने की, बाकी इतने दिन पड़े थे एक बार भी नहीं इन्होंने प्लान बनाया कि चलो यार कहीं घूम के आए या कहीं चलते हैं। संडे वाले दिन बंदा सो रहा है अच्छा भला, छुट्टी इंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं हमें तो सुबह 6 बजे उठना है, और सुबह 5 बजे उठना है और 6 बजे हमें पूल जाना है। और मैं इतनी भी गारंटी दे सकता हूँ वहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं होगा, मतलब जितना इन्होंने मेरे को गालियाँ देके या कह के क्या भी है। मनोज का फ़ोन आया पहले तो भाई सीधा कि तू कहाँ है, हम लोग निकल रहे हैं, हम ये हैं, हम वो है, तू आएगा या नहीं आएगा। चलो मैंने कहा चल रेडी हूँ। उसके बाद भाई का फ़ोन आया, पुनीत भाई का, वो भी कह रहा था, मैं कहा चलो निकल ही जाता हूँ। और इतना पता है इनमें से अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, उन्होंने हैपवाल से पूल पे जाना है और हैपवाल से पूल का उनका 5 मिनट का रास्ता है और मेरा कम से कम 20-30 मिनट का, आप देख ही सकते हो जैसे सफ़र चल रहा है, तो हिसाब लगा लो मैं पहले पहुँचूँगा, इतना मुझे श्योरिटी है। तो अभी तक तो हम वैसे यहाँ से दिशहरा ग्राउंड तक आ चुके हैं, उपकार नगर की रोड पे चल रहे हैं। जिसको नहीं पता उपकार नगर कहाँ पे है वो यहाँ पे नेट पे सर्च करके देख सकता है, और जिसको पता है प्लीज़ कमेंट में गालिए मत दो सालों। ये हमारे चैनल का पहला व्लॉग है, तो मतलब इतना मतलब पता है मुझे कि इतना कैसा भी होगा बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और ठीक ठीक लगे तो भी लाइक और शेयर करना यार, वो तो तुमने करना ही पड़ेगा। ऑडियंस काहे की हो तुम, अगर तुम लोग हमारे बारे में नहीं सोचोगे और कौन सोचेगा भाई, हट जा तो यार गाड़ी वाले। तो हम उपकार नगर के पुल पे आ चुके हैं भाई, पुल देख लो कितना तगड़ा बन रखा है यहाँ पे। तो सुबह सुबह गाय वैसे दिख रही हैं हमें, गाय हमारी माता है। क्या बात है, आपको वाटर सिटी का व्यू दिखा रहे हैं हम पूरा, जैसे
मतलब बाइक तो चल रही है, बाइक जितनी हिल रही है कैमरा उतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, और उसकी वजह से स्क्रीन तो मैं कह ही सकता हूँ क्या क्या हो रहा है। चलो यहाँ से टर्न लेना है और आगे फिर टर्न लेना है, लुधियाना, क्या बात है। काफ़ी लंबा सफ़र है अभी तो धीरे धीरे तो पहुँच ही जाएंगे। ओ भाई अखबार बेचने सुबह सुबह निकला है, क्या बात है। संडे को बंदे ये होते हैं मेहनती, और हम देख लो सुबह सुबह नहाने जा रहे हैं पूल में, घर पे पानी नहीं होता। घर पे चाहे ये चार चार दिन ना नहाए, पूल में नहाने जाना है इन्हें। हाँ मैं भी इनमें ही शामिल हूँ भाई, पहुँच जाऊँगा आज मैं क्या नहीं। अच्छा बताओ मैं कहाँ हूँ, मतलब किस किस को ये एरिया पता है कमेंट में जरूर बताना, मतलब थोड़ा बहुत एरिया तो पता ही होगा आप लोगों को, कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। जो तो लुधियाने में रहते हैं, जो लुधियाने के नहीं हैं उन्हें नहीं पूछ रहा, जो है उन्हें पूछ रहा हूँ। तो जो लुधियाने के नहीं हैं तो उन्हें तो मैं बता दूँ मैं सिविल सिटी में हूँ, और जो हैं उन्हें तो पता लग गया होगा। मतलब सिविल सिटी पार करने ही वाला हूँ, थोड़ी सी रह गई है बस, काली माता मंदिर आएगा आगे और वहाँ से टर लूँगा। मतलब क्या ही दिख रहा है आज, एक तो ये भी सही है ना, लुधियाना तारों का शहर, मतलब तारों का नहीं तारों का, देख लो मतलब पूरे एरिया में क्या ही तारे हैं, ऊपर ऊपर को आसमान की ओर देखो तो पहले तारों में उलझो भाई। यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया, यहाँ पे मतलब लोहड़ी का वाले दिनों में ना पतंग उड़ाए जाते हैं, तो हर से ज़्यादा पतंग तो कहाँ पता ही है कहाँ फंसते हैं यहाँ पे। हाँ पर एक बात भी सही है, लुधियाने की लोहड़ी ना देखने वाली होती है, बाकी शहरों से कंपैरिजन किया जाए ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोहड़ी होती है लुधियाने की। और जिसे नहीं विश्वास ना किसी दिन आना जरूर लुधियाने में लोहड़ी वाले दिन, पता लग जाएगा। चलो यहाँ से हम कुछ टर्न ले लें, काली माता मंदिर के पास आ चुके हैं। ओ भाई क्या बात है सनसाइड, ये देख लो दिन में ही लाइटें जला के जा रहे हैं, देश बढ़ रहा है। अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो हम 10-15 मिनट का रास्ता है, मतलब देख लो घर से निकला हूँ और उसके अलावा यहाँ से भी 10-15 मिनट का रास्ता है मेरे लिए, ये तो क्या ही रास्ता पड़ता है यार। यहाँ पे भी मैंने अभी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी हुई है, जैसे मतलब जिस हिसाब से वीडियो डालूंगा उसमें स्पीड फास्ट कर दूंगा, तो आपको ये रास्ता मे बी 20 मिनट का लगेगा और मुझे पता है मैंने 40 मिनट में पार किया है। बस बस बीड़ी फूक रहे हैं, क्या हाल है। ओ भाई हट जा, कहाँ घुस रहा है। और यार बाइक का हॉर्न खराब है तो बस खुद ही आवाज मार के हटाना पड़ता है। बस में भी पहुंचने वाले हैं हम, और एक इशू तो ये भी है ना, मुझे रास्ता पता नहीं है और मैंने मैप पे रास्ता लगाया हुआ है और उसी फ़ोन से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो हिसाब लगा सकते हो वीडियो कैसी बन रही है। देख लो बच गया मैं, अभी वीडियो के चक्कर में बस ख़त्म था। मतलब उसी फ़ोन पे नेविगेशन ऑन है और उसी फ़ोन पे मेरा मैप ऑन है और उसी फ़ोन पे मेरी वीडियो ऑन है कैमरा। चलो मे बी तो हम जसियाँ के पास आ चुके हैं,
शायद जसियां बैक साइड है एरिया, और यहाँ से हम देखते हैं किधर को मुड़ना है। यहाँ बस एक बात बढ़िया है, यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है सुबह सुबह, और थोड़ा सा फ़ोन कम मिले तो वीडियो भी बहुत अच्छी बने। अब यहाँ से मैंने चलो यहीं जाना। अबे भाई तो क्या हो गया बाइक को, क्या हो गया? अब लो बाइक ही बंद पड़ गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तेल तो है इसमें, पता नहीं क्या हो गया इसको, देखता हूँ। चल 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 भाई, चल 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 चल, शुक्र है चली यार। वो थोड़े दिन पहले ना मुझसे सुमित नाम के बंदे ने बाइक मांगी थी, और बस पता ही है अब बंद क्यों हुई होगी, ये कमेंट बॉक्स में पता लगेगा। आप इसकी डेफिनेशन तो सभी देंगे अभी कि बाइक मांगी थी तो पता ही है बंद होनी होनी थी, और वो भी सुमित ने। वाह क्या नज़ारा है यार, यहाँ पे हैं खेत और खेत, और यहाँ पे सुबह सुबह बच्चे खेल रहे हैं। मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा आगे जाऊँगा तब दिखाता हूँ। संडे वाले दिन, और आगे भी बच्चे खेल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया में या तो खेत आएंगे या तो ग्राउंड आएंगे लंबे लंबे बड़े, और यहाँ तो पूल वगैरह आएंगे। अब हम खेतों वाले एरिया में तो चल ही रहे हैं, बस इसके अब सीधा ही जाना है मुझे तो लग रहा है, शायद मैप पे तो ये शो हो रहा है। और भाई पहली वीडियो है, मैं मुझे पता है ऑडियो वीडियो मतलब कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी अच्छा वगैरह ना लगे, चलो पहले बता देता हूँ गालियाँ मत देना तुम लोगों का, मुझे पता है अपने बंदे ही नहीं छोड़ते यार, ऑडियंस तो लगते हैं, मतलब ऑडियंस क्यों नहीं कह रहा, उन्हें तो पता है हम कि उन्होंने कि हमारी पहली वीडियो है, हमारे बंदे ही खुद ही जलील इतना करते हैं ना, पूछो मत। भाई पहुंच जाऊंगा आज मैं यार, लग तो रहा है, तो लगता तो ऐसा ही है कि मैं पहुंच जाऊंगा। और एक चीज तो यार तारों का शहर है हमारा लुधियाना, देखो कितने तारे हैं हमारे शहर में। तो यहाँ पे भी एक ग्राउंड है, वो देखो यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं, चलो तो ये भी बढ़िया है, सुबह सुबह खेलना भी जरूरी होता है, हम कहाँ उठते हैं और कहाँ खेलने जाते हैं, आए काम से चलो भाई। और ये लोग संडे वाले दिन भी खेलने आए हैं, क्या बात है, मुझे लगता है क्या बात है ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इस पर भी कोई ना कोई कमेंट जरूर आएगा। जा तू चला जा पहले यार, मुझे ज़्यादा जल्दी है भाई। यार पूल तो आ गया, यहाँ पे पूल ही पूल है, कौन सा पूल हमारे वाला है ये नहीं पता लग रहा, तो मुझे लग रहा है मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा सा नेविगेशन भी साथ नहीं दे रही, फोन तो क्या ही कांप रहा है। चला भी ज़्यादा स्पीड में रहूँगा शायद, हाँ बहुत ज़्यादा, देखो 40 पे पहुँच गया मैं, अब सुई दिखा नहीं सकता, नहीं तो ये वीडियो घर वालों ने भी देखनी है। बाइक नहीं मिलेगी मुझे, और मेरी बाइक मुझे ही नहीं मिलेगी, ये देख लो ये हाल है हमारे। इधर को है यार पूल, इतना लंबा भी नहीं था यार, लोकेशन तो इधर को ही दिखा रही है कहीं, लो भाई मैं तो खो गया, मतलब वो वाला खो गया नहीं, खो गया गुम हो गया। यहाँ से मोड़ आ रहा है, लग तो रहा है हम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, इधर को मोड़ दिखा रहा है, इधर को कहाँ मोड़ दिखा रहा है भाई, खेतों में बाढ़ लूँ, इधर तो खेत हैं, शायद कोई कच्चा रास्ता होगा,
देखता हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा यहाँ से रास्ता होगा। थोड़ा सा तो देखूँ, नहीं यार नहीं यार नहीं 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 गलत आ रहा हूँ, फिर भी चल रहा हूँ। देख लो हाल मेरे, वापस ही चलता हूँ इससे। चलो आगे पानी भी है ना, फायदा नहीं कोई। चलो भाई हमने यू टर्न ले लिया है और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। यार मैं आया हूँ, मतलब पिछले साल आए थे हम लोग पुल पे, तो तब का यार याद सा नहीं है मुझे, इसलिए लोकेशन लगा के आया हूँ। वो भी वो लोग लेके आए थे मुझे, आया भी मैं खुद हूँ और गलियों वगैरह से आया हूँ तो पता ही नहीं है। एक सेकंड, लग तो यही रहा है, यहाँ से रास्ता है कहीं थोड़ा सा आगे। हाँ थोड़ा थोड़ा करता करता आधा रास्ता कटाया मैं आगे, तो ये कलेक्टर डाउन टाउन भाई यहीं जाना है हमने, यहीं यही पुल है हमारा। कहाँ पे है ये? वो रहा, वो दिख रहा है पुल आप लोगों को, वो सेंटर में खेत के बिल्कुल। रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को, बस पहुँच गया अब तो मैं। तो पुल का नाम तो आपने देख लिया बोर्ड पे, और बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जो लोग लुधियाना से। पुल बहुत बढ़िया है भाई, 100 रुपया टिकट है और पूरे दिन में जितने मर्जी टाइम तक नहाई जाओ, कोई इशू नहीं है। खाने पीने का मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 5 रुपये ज़्यादा है हर चीज़, मतलब जैसे कि वहाँ बाहर हम 10 रुपये का चिप्स लेते हैं तो यहाँ पे 15 का मिलेगा हमें डाउन टाउन इधर। अच्छा भाई ठीक है, देख लो भाई खेतों में है बिल्कुल सेंटर में, और क्या ही माहौल है इसका। ओ भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं, लगता है रश होगा अंदर, तो दो ही खड़ी हैं, ज़्यादा बंदे भी नहीं लग रहे। देखें ये पहुँच चुके हैं हम गेट को, चलो भाई हम तो एंटर करें, देखते हैं कोई आया हम में से या नहीं। और आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हम डाउन टाउन की ओर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे रैपिडो वगैरह भी मिल सकती है आपको आराम से, वो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, रैपिडो आती है ठीक है ना। मतलब जिन लोग फ़ोन करके बुला लें सभी को। लो भाई हम लोग तो पहुँच चुके हैं, और यहाँ चिट्टे पड़ते क्यों लगाए हैं, भोग है यार साला, ओढ़ सा लग रहा है, धूप अलग निकली हुई है। पूल का नज़ारा देखो यहाँ पे, और सिद्धू भाई के गाने लगे हुए हैं। पूल है डाउन टाउन हैपोवाल में, लोकेशन तो आप लोगों को पता लगी होगी, मैं पूरे रास्ते तो बाइक चलाता आ रहा हूँ। तो जब तक वेट कर रहे हैं हम लोग में से मैं ही आया हूँ अभी तक, तो साले इतने लिज्जर हैं अभी तक उठे ही नहीं है, और शुभम को उठाने लगे हुए हैं। और जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, इतनी गालियाँ देना ना साले को, साला इतना आलसी है ना, मतलब उसे उठाने के लिए सारे बंदे गए हैं यहाँ से हैपोवाल से भी स्पेशल। देख लो हाल उसके, पुनीत भाई ये मनोज कह रहा उसको उठा के लेके आना है, हाल वैसे उसका बुरा ही है, नहीं साला कुंभकर्ण की छोटी औलाद। चलो देखते हैं, पानी तो ठीक ठीक लग रहा है यहाँ से, थोड़ी देर बैठे हम जब तक वो लोग आ रहे हैं नज़ारे के। वाह स्पीकर चल रहे हैं, अच्छा वाला मौसम है। आ जान तो हम भी नहा लें, और ये पूल पूरा सेंटर में है, साइडों में पूरे खेत ही खेत है इसके, सही है। चल देखते हैं क्या होता है। आधा घंटा बीत चुका है मुझे इंतजार करते को, और ये लोग अभी तक नहीं आए। यार क्या यार भाई, उठ जा यार उठ जा, कितना सोएगा तू, मतलब देख लो हाल उसके, अभी तक नहीं उठा। चलो हम क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। उठता ही नहीं दलिद्धर साला, थोड़े तरह साले बनना चाहिए था, थोड़ी वजह ना यार टाइम ना आ जाते नहीं हो। ओयो कह रहे धर्मे नू लैन गए
पेमेंट करती वो पेमेंट करनी सर ले मैं करूं तेरी तो ले तैयार हो गया भाई ओ यार टेट कितना कटे और ओ भाई टोना रात का उठा ना थप्पड़ मारने से साले दौड़ गया मुंह दौड़ मुंह कट गया पेमेंट किए उसने देखो बाप का मुंह साले मैं 6 बजे आया मैं बस इत डूबूगा लाला शो हाई डाइविंग चाल पानी च उठा हूं मैं क्या मिनट आंधी नहीं डाई यार भाई ये झुक क्यों रहा है ये झुकी झुकी नजरे है आ गया साला दलिद्दर ओए दलिद्दर ओ दलिद्दर हवा हो रही हवा हवा ए भाई भी जा रहा है भाई जी देख के मारियो हट जो भाई हटी ए चल पानी च हाय हाय नजारा तू भी बोल दे जूम नहीं होवे बाद में करियो भाई तो बैठ गया यार वहां पे इसके सिक्स पैक एप्स दिख जाएंगे मार धक्का मार यार इनू मेरे मार धक्का इनू मार 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 खिंच के ले जा इनू घसीट जा मैं हैगा इतें ओए इधर सही है इधरों मार बस आ गया बाहर ओरे 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 डूब के मर जा साले भाई ये तेरे भाई के नाम पे कलंक है उनका बनैन का लाला उंगे मेरे ने धक्का मार ये कौन सी जलपरी है भाई ये कौन सी जलपरी है ये कुछ और एक्सरसाइज लगा रहा है कुछ और बड़ा हो रहा है तू तो आता है जिम्मे कुड़िया इधर पाके ना नहीं आंदियां कोई आया सालिया मारी धक्का मारी मेनू मारन की सोच रहे मेनु पता वा चल की रे क्या चल रहा है पूरा लड़ाओ क्या करेगा वो देखियो वो देखियो वो देखियो भाई ये 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 चाहिए था हमें आई साबित कर दिया इसने ओयो किथे रह गए यार मनु होनी फोन तक ये जल परी हमारी जल परी जल परी चल पानी में
तेने फुद्दू होर आ गया भाई। चल डिग पानी वीडियो कौन बनाएगा चल 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 तरवे मार छाल सेट होड़ू भाई का कुछ और हो गया वो यार तू क्या ठंडा कर देना क्या है तूने भाई कर 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 कितना बाट जाना मार सुखे के सिक्स पैक है आप देखी और देखी उधर देख उधर देख बनाता रहे मैं मार्शल और देखिए ए ए चल सीधे साले लाइव नहीं ब्लॉग ही बन रहा वा चल रोको आ गया पोस्ट केड़े बैठा हुए
पता पालिया मेरे तेरा Oh!
चलो गाइस आज का ब्लॉग खत्म हो गया, अपना भूल दो करे बाकी चाह चुके हैं।